भजन संहिता अध्याय 59। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़ कर लड़ने को तैयार हो जाती हैं, मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और यह देख। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग, किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। वे लोग सांच को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा, परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा, उन्हें घात न कर, ना हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर वितर कर, उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और ओंठों के वचन और साप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। जल जलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाएं। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। वे सांच को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वे टुकड़े के लिए मारी मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। आमीन।